अब मैं सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग न्यूज मैंने कल रात दी थी, नैब चेयरमैन ने जो मुझे वहां से वारंट पर निकाले थे हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस तरह उन्होंने मुझे मेरी तोहीन की थी सारी दुनिया के सामने, एक मुजरिम की तरह मुझे वहां से अगवा किया था। अब ये पता चला है कि 2020 अप्रैल के अंदर मुझे कल मिनट्स में रेन नैब की जो जो इनकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उसके मिनट्स थे, जिसके अंदर नैब के जो ऑपरेशंस के डीजी ऑपरेशंस थे ज़ाहिर शाह, जो अब वाइस चेयरमैन है नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल वहाँ बैठे हुए थे। तो उस उन्होंने तब नैब की जो प्रोसीडिंग थी और तब नैब चेयरमैन के, उन्होंने यही जो केस है अल कादर का, उस वक्त केस था वो जो मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी एनसीए से, नेशनल क्राइम जो एजेंसी इंग्लैंड की है, उसमें ये केस बंद कर दिया था कि ये इंक्वायरी बंद कर दी थी, और वो इन टच थे एनसीए से नैब तब, और नैब से अग्रीमेंट ये हुई थी कि अगर वो जो हसन शरीफ ने जो 50 मिलियन पाउंड का घर बेचा था अली रियाज को, अगर उसका पैसा वो बेच के आ जाता है तो, अगर वो नहीं आता तो तब प्रोसीड करेगी नैब यहाँ की और एनसीए वहाँ की, लेकिन अगर वो पैसा आ जाता है तो वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये बदनीयती देखें कि नैब की इंक्वायरी हो गई, केस और उसके ऊपर उन्होंने सेटिस्फाई हो गए, वो इंक्वायरी बंद हो गई, और ये जब आफताब सुल्तान आए, जब नैब के चेयरमैन, उनको भी जोर लगाया गया कि इमरान खान के ऊपर कुछ हो, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, फिर इस मौजूदा नैब चेयरमैन को लेके आए, इसने फिर वो इंक्वायरी खोली, और मुझे 3 घंटे जब नैब ने इसके ऊपर मेरे ऊपर पूरी उन्होंने इंक्वायरी की और मेरे सवाल जवाब किया, तो उनको पता था कि पहले इंक्वायरी बंद हो चुकी है और मुझे नहीं पता था। अब ये सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा नैब आज़ाद थी, हम नैब में तो कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर मुझे वो पता होता तो मैं वहाँ तभी इनकी इंक्वायरी ख़त्म कर देता। ये हो ही नहीं सकता कि आप इंक्वायरी आपकी ख़त्म हो जाए और फिर से आप उस इंक्वायरी को चलवा दें जब तक कि कोई नई एविडेंस ना आए। तो इसलिए मैंने पहले हर्जाना किया हुआ है चेयरमैन नैब के ऊपर। अब ये मेरा केस फुल प्रूफ हो गया कि इसने बदनीयती के ऊपर सारा किया था, और ये जो सारा अल कादर का, और ये भी मैं बता दूं कि अब तक 3.5 साल में 2 इन्होंने मेरे पे करप्शन के केस किए, एक है तोशाखाना, वो मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह जब वक्त ये जब हेयरिंग पूरी होगी कि मेरा एक एक चीज़ मैंने उस कानून के दायरे में लेके की। और मैं ये भी अब कहूंगा कि खोलें पहले पीछे जो चोरियाँ लूटमार हुई है, 4-5 गाड़ियाँ निकाली गई हैं तोशाखाना से, 3 BMWs, 1 Mercedes और 1 Lexus, सबसे महंगी गाड़ियाँ, 6.5 लाख की नवाज शरीफ ने Mercedes लिए हैं वहाँ से। खान साहब, तोशाखाना अदालत में क्यों साबित कर रहे हैं? यहाँ पर तो जवाब दे रहे हैं, अदालत में साबित कर रहे हैं। वहाँ पे प्रेस रूम में सारे और साथी बैठे हुए हैं, वो खुला है और बड़ी जगह है वहाँ पे। खान साहब, आपके यहाँ से निकलने में, एसोसिएशन के नुमाइंदे, खान साहब यहाँ से निकल के जाने में 20 मिनट लग जाएंगे, प्रेस एसोसिएशन यहाँ से निकल के वहाँ तक आने जाने में 20 मिनट लग जाएंगे। रश बहुत है खान साहब, रश बहुत है, इधर ही ठीक है, चाहे वो डोनेशन में ही होती। अब ये बड़े गौर से मेरी बात सुने, शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है, 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज में, कैंसर का इलाज जो मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया। अब क्या मुझे पता है कौन डोनेशन दे रहा है? लेकिन मैं तो पता था, ठहर जाए, उसके अंदर हर किस्म के लोग डोनेशन देते हैं। कभी भी आज तक जो पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के लिए, वो कोई मैं अपनी बिजनेस के लिए तो नहीं पैसे इकट्ठे कर रहा ना,
अगर मैं गरीब कैंसर के मरीजों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ या हॉस्पिटल बनाने, तो मैं वेट नहीं करता कि कौन पैसे दे रहा है। और ये याद रखें कि मलिक रियाज की जब हम हुआ था तो डील हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसने वो जो 450 अरब रुपया दे के मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्लीन कर दिया था। सब एक टेंटेड शख्स से आप 456 के नाल क्यों ले रहे थे? फिर से गौर से बात सुनिए, मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है। उसकी जो उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वो क्लियर हो गया था। और अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है सिर्फ शौकत आनम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए आधा पैसा इकट्ठा करता है, 90% फ्री एजुकेशन है, उसके लिए पैसा इशू नहीं था। मलिक रियाज की जो क्यों उसको मैंने कहा, वो तो उसने खुद कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया ना अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में, समझे? सर पुल तो एक मिनट, सड़कें तो नाशिनी बड़ी जल्दी सुन, मेरी गौर से बात सुने। जब आप चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम जितना लंबा होता जाता है उसका आपकी कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। उसकी बात यह है कि वो डेवलपर वो जो 14 साल हमें लगे थे वो 3 साल में उसे कंप्लीट कर दिया। जो खान साहब है उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग न्यूज मैंने कल रात दी थी, नैब चेयरमैन ने जो मुझे वहां से वारंट पर निकाले थे हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस तरह उन्होंने मुझे मेरी तोहीन की थी सारी दुनिया के सामने, एक मुजरिम की तरह मुझे वहां से अगवा किया था। अब ये पता चला है कि 2020 अप्रैल के अंदर मुझे कल मिनट्स में रैन नैब की जो इनकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, उसके मिनट्स थे जिसके अंदर नैब के जो ऑपरेशंस के डीजी ऑपरेशंस थे ज़ाहिर शाह, जो अब वाइस चेयरमैन है नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने तब नैब की जो प्रोसीडिंग थी और तब नैब चेयरमैन के, उन्होंने यही जो केस है अलकादर का, उस वक्त केस था वो जो मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी एनसीए से, नेशनल क्राइम जो एजेंसी इंग्लैंड की है, उसमें ये केस बंद कर दिया था कि ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। और वो इन टच थे एनसीए से नैब तब, और नैब से अग्रीमेंट ये हुई थी कि अगर वो जो हसन शरीफ ने जो 50 मिलियन पाउंड का घर बेचा था अली रियाज को, अगर उसका पैसा वो बेच के आ जाता है तो, अगर वो नहीं आता तो तब प्रोसीड करेगी नैब यहाँ की और एनसीए वहाँ की, लेकिन अगर वो पैसा आ जाता है तो वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट पे पैसा आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये बदनीयती देखें कि नैब की इंक्वायरी हो गई, केस और उसके ऊपर उन्होंने सेटिस्फाई हो गए, वो इंक्वायरी बंद हो गई,